दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम धर्म बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? दोस्तों, मुस्लिम समुदाय का हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक ना एक बार मक्का शहर में स्थित काबा के दर्शन करने की इच्छा रखता है, क्योंकि काबा मुसलमानों का धार्मिक स्थान है। दुनिया भर के मुसलमान हर साल उम्र और हज करने के लिए मक्का शहर पहुंचते हैं। इस्लाम धर्म की शुरुआत इसी शहर से मानी जाती है और मक्का से इस्लाम दुनिया भर में फैलाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज काबा जैसा दिखाई देता है, पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो आपको बता दें कि जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी, अंत भी उसी मक्का स्थित काबा से ही होगा, ऐसा दोस्तों कहा जाता है। आज की वीडियो पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको इस्लाम धर्म से जुड़ी ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। साथ ही आपको बताएंगे उस वीडियो का सच, जिसमें दावा किया जा रहा है कि मक्का शहर में स्थित काबा के ऊपर दूध चढ़ाने से भगवान शिव मुसलमानों की कैद से बाहर हो जाएंगे। क्या है मक्का शहर में भगवान शिव की कैद होने का सच, बताएंगे आज की वीडियो में। वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम धर्म की शुरुआत मक्का से हुई थी, इसलिए इस्लाम में मक्का शहर की काफी मान्यता है और हर मुसलमान मक्का में स्थित काबा शरीफ को अपना हिबाले मानते हैं। उसकी तरफ मुंह करके ही नमाज अदा करते हैं। मक्का शहर में काबा का निर्माण इस्लाम धर्म के पहले पैगंबर कहे जाने वाले इब्राहिम ने करवाया था। कहा जाता है कि जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को उनके सपने में आकर उनके बेटे की बलि देने को कहा, तो वो खुशी खुशी तैयार हो गए। अल्लाह ने जब इब्राहिम का हौसला देखा और आस्था देखी, तो उन्होंने इब्राहिम के बेटे की जगह बकरी के बच्चे की बलि स्वीकार की। तभी से इस्लाम में बकरा ईद मनाने का रिवाज है। उसी के बाद से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को इस्लाम धर्म के प्रचार करने की जिम्मेवारी सौंप दी। उसके बाद इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल के साथ मिलकर काबा का निर्माण किया, जिसे अल्लाह का घर भी कहा जाता है। आपको बता दें कि मक्का में जिस जगह काबा मौजूद है, ठीक उसी के ऊपर जन्नत में एक और काबा मौजूद है, जिसे बैतुल्ला यानी कि अल्लाह का घर कहा जाता है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि बैतुल्ला में हर रोज 70,000 फरिश्ते आकर आराधना करते हैं। दोस्तों, काबा की संरचना की बात करें तो ये 40 फीट लंबा और 33 फीट चौड़ा है। ये ग्रेफाइट पत्थर, काले पत्थर व सोने का बना हुआ है, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है। काबा की पहली बनावट में दो दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी, लेकिन बाद में इसमें कई बदलाव किए गए। आखिरी बार साल 1996 में काबा की मरम्मत करवाई गई। दोस्तों, आपको बता दें कि काबा के अंदर पूर्वी कोने में पत्थर लगा हुआ है, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है। दोस्तों, इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि हज के दौरान जो भी मुसलमान इस हजरे अस्वद के पत्थर को चूमेगा, उसके सभी गुनाह माफ हो जाएंगे। कहा जाता है कि पत्थर जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है। जब ये पत्थर जन्नत से धरती पर उतारा गया, तब इसका रंग दूध की तरह सफेद था, लेकिन हज के दौरान जाने वाले यात्रियों के चूमने की वजह से उसके गुनाहों से इसका रंग धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है। दोस्तों, हजरत इब्राहिम के बाद इस्माइल ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया। इस्माइल के बाद मक्का शहर के सबसे पूजनीय पैगंबर हजरत मोहम्मद ने इस्लाम धर्म को फैलाया, और उन्होंने ही अल्लाह की भेजी गई किताब कुरान शरीफ में अल्लाह की सिखाई की बातों को हर मुसलमान तक पहुंचाने के लिए मक्का शहर का प्रचार किया। मक्का इसलिए भी खास है क्योंकि मक्का में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था। लेकिन मक्का शहर में इस्लाम धर्म से पहले दूसरे धर्म के लोग रहते थे, जो मूर्तियों की पूजा करते थे। इसलिए कुछ वक्त के लिए पैगंबर मोहम्मद ने मक्का शहर छोड़ दिया था और मदीना जाकर रहने लगे। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी इस्लामिक शिक्षा जारी रखते हुए इस्लाम का प्रचार करने के लिए कई जगह का भ्रमण किया और आखिर में मक्का आकर अल्लाह के पैगाम यहाँ रह रहे लोगों को सिखाया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम धर्म में सबसे पहली हज यात्रा पैगंबर मोहम्मद ने ही की थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपने 144 अनुयायियों के साथ काबा की परिक्रमा की थी। तब से ही काबा जाकर हर मुसलमान जिंदगी में कम से कम एक बार हज की यात्रा जरूर करता है। दोस्तों, काबा की चाबियां मक्का के शाही परिवार के पास ही रहती हैं। ये शाही परिवार सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी इस जिम्मेदारी को संभालता आ रहा है। शाही परिवार की अनुमति के बिना काबा के दरवाजे का ताला नहीं खोला जा सकता। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि मक्का शहर रेगिस्तान इलाके में है और यहाँ चारों तरफ रेत ही रेत है। यहाँ की जमीन बंजर है, जो खेती के लिए उपजाऊ नहीं है।
यहाँ हर साल सामान्य स्तर से भी बहुत ही कम बारिश होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ एक पानी का कुआं है जिसे जमजम का पानी कहा जाता है। दोस्तों, जमजम के पानी का भी इस्लाम धर्म में अपना ही महत्व है। जैसे कि हिंदू धर्म में गंगा जल पवित्र माना जाता है, ठीक उसी तरह से मक्का के काबा में जमजम का पानी बिहार मुसलमान के लिए पवित्र है। आपको बता दें कि जमजम के पानी को लेकर वैज्ञानिक भी हैरान है, जबकि रेगिस्तान से गिरा मक्का सदियों से ही बारिश और बंजर जमीन से जूझ रहा है, पर आकर जमजम का पानी कहां से आ रहा है और ये क्यों इतना पवित्र माना जाता है, इसलिए आपको बता दें दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल और बीबी हाजरा को मक्का शहर के रेगिस्तान में छोड़कर इस्लाम की सीख देने के लिए फलिस्तीन हो गए थे। इब्राहिम हाजरा और इस्माइल को कुछ खजूर और थोड़ा सा पानी देकर वहां से चले गए। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हजरत इब्राहिम की बीबी हाजरा अपनी भूख और प्यास को बर्दाश्त नहीं कर रही थी, लेकिन उनके बेटे इस्माइल से पानी की प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही थी और ना ही भूख बर्दाश्त हो रही थी। अपने बेटे को भूख और प्यास में तड़पता देखकर बीबी हाजरा पानी ढूंढते हुए सफा और मावरे के पहाड़ियों के बीच में दौड़ लगाने लगी। बहुत कोशिश के बाद भी हाजरा को पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आई। भूख और प्यास से बेहाल हाजरा थककर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। कुछ वक्त बाद जैसा ही हजरत इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर घसीटा तो जमीन के अंदर से पानी निकलने लगा। इस तरह से दोस्तों, हजरत इब्राहिम हाजरा और हजरत इस्माइल की अल्लाह ने जान बचाई थी। दोस्तों, कहा जाता है कि तभी से ये पानी ऐसे ही इस कुएं में से निकलता जा रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि जमजम का पानी पीने से बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों, वैज्ञानिक जमजम के पानी को लेकर हमेशा से ही चिंता में रहे हैं। यही कारण है कि वैज्ञानिक की एक टीम ने जमजम के पानी को टेस्ट करने का मन बनाया, क्योंकि अफवाह थी कि जमजम का पानी कुदरत का नहीं बल्कि शहर के गंदे नाले से जुड़ा हुआ एक साधारण सा कुआ है। ये दावा किया गया था क्योंकि मक्का शहर समुद्र तल से नीचे है और ये कुआ मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। लोगों का मानना है कि शहर के सभी नालों का पानी इस कुएं में आकर जम जाता है। वैज्ञानिकों के जमजम के पानी के बारे में कही गई बातों की वजह से एक बार फिर से जमजम के पानी के बारे में टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग में खुलासा हुआ कि जमजम के पानी को पीने के कई तरह से फायदे मिलते हैं। जमजम के पानी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे अगर कोई कमजोर से कमजोर व्यक्ति इसे पीता है तो वो भी तंदुरुस्त हो जाता है। इसके अलावा जमजम के पानी में पाया जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यही कारण है कि इस्लाम में जमजम के पानी की इतनी ज्यादा मान्यता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का दावा किया जाता है कि मक्का में स्थित काबा के अंदर भगवान शिव के कैद और अगर कोई उन पर गंगा जल या दूध चढ़ा देगा तो वो छूट जाएंगे। इस तरह के सभी दावे बेबुनियाद हैं, क्योंकि भगवान शिव को कोई कैद नहीं कर सकता। भगवान शिव इतने कमजोर नहीं है कि उन्हें किसी इंसान की मदद की जरूरत पड़े। खुद को कैद से छुड़ाने के लिए भगवान शिव खुद ही सृष्टि के रचियाता है, जब चाहे दुनिया का विनाश कर सकते हैं। कई लोगों का मानना है कि मक्का से पहले मकेश्वर मंदिर हुआ करता था, लेकिन आपको ये बता दें कि किसी भी हिंदू धर्म में मक्का में भगवान शिव के मकेश्वर मंदिर का कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए दावे सिर्फ नफरत फैलाने के लिए उड़ाई गई अफवाहों के सिवा कुछ भी नहीं है। दोस्तों, आप ऐसी अफवाहों से दूर रहें और नफरत की आग को ना भड़काएं। हर इंसान किसी न किसी धर्म में आस्था रखता है और सभी को एक दूसरे की आस्था का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपसी भाईचारा बना रहे। इस तरह की कोई भी खबर आपको पहले खुद वेरीफाई करनी चाहिए और बाद में उसे किसी के साथ शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।